व्हाट्सअप रिश्तेदार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो बहुत स्पेशल है और बहुत स्पेशल दिन पे बन रहा है। क्यों? क्योंकि भाई लखनऊ में भी H&M ओपन हो चुका है। कहाँ? नन अदर देन फिनिक्स पलासियो। तो ना मुझसे वेट हो रहा है ना मेरी मोहिनी से। मोहिनी कौन है? मोहिनी भाई मेरी बाइक दिखाओ, भाई बाइक को दिखाओ मेरी। अच्छा तो कितनी पावर है इसमें बताओ तो। भाई पावर बाइक में नहीं, पावर चलाने वाले में होती है और चलाने वाले में बहुत ज्यादा पावर है। किसी महान इंसान ने कहा इट्स नॉट अबाउट द राइड, इट्स अबाउट द राइडर। तो भाई राइड चलते फिनिक्स पलासियो, सफर का मजा लो। क्यों? क्योंकि भाई सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। ऑलरेडी आ चुके, तो मैं फिर से मॉल का पूरा टूर देने वाला नहीं हूँ, डायरेक्ट H&M में चलते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि 21 नवंबर को H&M खुल चुका है, तो डायरेक्ट H&M में चलते हैं। लोकेशन देख लेते हैं यहाँ पे पहले है कहाँ पे। तो यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे लाइफस्टाइल के जस्ट सामने लिखा है, यहाँ बहुत पहले से हुआ है, जब से मॉल खुला आई थिंक जुलाई में मॉल खुला था तब से यहाँ पे लिखा हुआ है H&M, लेकिन भाई खुला ही अभी परसों ही है 21 नवंबर को। तो चलते हैं डायरेक्ट H&M में। जैसे कि वहाँ लिखा हुआ था लाइफस्टाइल के जस्ट सामने H&M, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, बैठ चुके हैं अंदर। तो यहाँ पे भाई फ्लेनल्स लगी हुई हैं, अच्छी लग रही हैं, येलो कलर की ये भी अच्छी लग रही है। क्या प्राइस है इसका? 1999 तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है। 1999 तो टी शर्ट लगी हुई है यहाँ पे, देख लीजिए ये अच्छी लग रही है यार, अच्छी लग रही है। क्या प्राइस है? 399। भाई गरीबों का मसीहा, इसीलिए मैं H&M को बोलता हूँ। भाई हम जैसे गरीबों के लिए बनी हुई है। अच्छी लग रही, लेकिन हम लोग का मेन मकसद हुडीज़ खरीदना है, तो हुडीज़ वाले सेक्शन में चलेंगे डायरेक्ट। इसको रख देते हैं, गर्मियों में ऐसे भी आप टी शर्ट अभी कोई पहनेगा नहीं, ठंडियों में वैसे भी, हाँ गर्मियों में पहनेंगे तो अभी खरीदने से फ़ायदा नहीं है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हुडीज़ की पूरी रेंज लगी हुई है, अच्छी लग रही है। यहाँ पे और भी हुडीज़ लगी हैं भाई, तो यहाँ पे भाई हुडीज़ लगी हुई हैं, अच्छी लग रही है ये, बस साइज़ थोड़ा बड़ा है। क्या प्राइस है? 2000 रुपीज़ भाई। और यहाँ पे भी लगी हुई है, अच्छी लग रही है ये भी, ये अच्छी लग रही है। फोकस करो भाई इस पे, सॉरी बट वाई, बिकॉज वाई नॉट। तो भाई मैं पूरा इलेबोरेटेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई ये स्टोर अभी 2 दिन पहले खुला है, तो रश आप देख सकते हैं कितना है भाई, रश दिखा दो कितना है। भाई आप जैसे देख रहे हैं रश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2 दिन पहले ही स्टोर खुला है, तो भाई लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो इलेबोरेटेड वीडियो एक और आएगी, जो मैं पूरी फुल शॉपिंग वीडियो बनाऊंगा। अभी आपको रफली प्राइस बता दे रहा हूँ कि अगर आपको बेसिकली कितने पैसे लाने कि आप टी शर्ट हुडी या जीन्स आराम से खरीद सकते हैं। भाई सबसे पहले टी शर्ट्स की बात कर लेते हैं। टी शर्ट भाई ये मुझे अच्छी लग रही थी, इसका प्राइस मैं बता दे रहा हूँ, ये है 399 की, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आराम से आप खरीद सकते हैं। और भी टी शर्ट्स हैं सेम प्राइस 399 से स्टार्टिंग है। ये टी शर्ट ऑलरेडी मेरे पास है, मैंने मिंत्रा से मंगाई थी, उस पर भी यही सेम प्राइस था, उस दिन शिपिंग नहीं लगी थी, मुझे 399 की ही मिली थी। आ जाते हैं अब हुडीज़ की बात करते हैं, जो हम लोग का मेन फोकस है, तो बेसिकली आ जाते हैं हुडीज़ से बात करते हैं। हुडीज़ यहाँ पे लगी हुई है, हुडीज़ बेसिकली 1499 से स्टार्टिंग है। स्वेटशर्ट्स आपको 799 मिल जाएंगे, लेकिन हुडीज़ का बेसिक प्राइस जो है 1299 उससे ऊपर भी जा रहा है। क्लीनर्स भी यहाँ पे लगी हुई है, क्लीनर्स भी बेसिकली रफ प्राइस में बताऊँ तो 1000 से 1499 और उससे अबव जा रहा है। मिनिमम मैंने जो देखी हैं वो 1000 के अप्रॉक्स ही हैं, 999 टू 1499, 1299, 1399
अलग अलग प्राइस पे अवेलेबल है। तो अब जीन्स की बात कर लेते हैं, जीन्स यहाँ पे लगी हुई है। जीन्स का एक बेसिकली रफ प्राइस बता दूँ तो 1500 के ऊपर है, 1500, 1599, 1699, 1999, 2199, तो मतलब 1500 टू आप जितना आप जा सकते हैं। जीन्स का प्राइस वही है, आपको मिनिमम 1500 लाने ही पड़ेंगे, उससे नीचे जीन्स यहाँ पे नहीं है। तो भाई स्वेटर्स की बात कर ले तो भाई स्वेटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, देख लेते हैं। ये स्वेटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ये स्वेटर है, ये एक अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। ये अच्छा क्यों लग रहा है उसका रीज़न मैं बताता हूँ। ये 2299 का है, 2299 का है, लेकिन इकोनॉमिक क्यों है उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। क्योंकि आपने नोटिस करा हो, जब पर्पस आई तो पर्पस का मर्च यहाँ पे अवेलेबल था, चेंजेस आई चेंजेस का भी मर्च यहाँ पे अवेलेबल था। भाई वो एक्चुअल में तो भाई कहते हैं फियर ऑफ गॉड के रहते कपड़े, वो 60-70 हज़ार के रहते हैं, यहाँ पे उसका सस्ता अल्टरनेटिव अवेलेबल रहता है। इसीलिए मेरे हिसाब से H&M इकोनॉमिक है, और रिसेंटली इसने ज़ारा को भी पीछे छोड़ दिया, इंडिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेवेन्यू क्लोथिंग ब्रांड बन चुका है। तो मेरे हिसाब से इकोनॉमिक SNL आपने देखा होगा, तो लोनली भी जस्टिन बीबर ने परफॉर्म करा था, तो भाई उसमें सेम स्वेटर पहना था, 2299 में मिल रहा है, उससे अच्छा आपको क्या ही मिलेगा। वो स्वेटर 60-70 हज़ार का होगा, ये आपको 2299 में मिल रहा है। तो पीपल हु आर मोर इनटू अर्बन और वेस्टर्न क्लोथिंग, उनको पता होगा कि कहते हैं H&M में स्ट्रीट वेयर और वेस्टर्न और अर्बन वेयर कपड़े बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा रेंज मिल जाती है। तो भाई शॉपिंग हो चुकी है, एक हुडी ली है। आई गारंटी यू कि आप एक बार स्टोर को विजिट करेंगे तो आप लोग को भी पसंद आएगा। मेरा पहला ब्लॉग वीडियो था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि कैसा लगा। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर फ्यूचर में चाहते हो कि मैं ऐसे और ब्लॉग वीडियो शूट करता रहूँ, तो भाई प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि ब्लॉग वाला कैसा लगा। थैंक यू, रिशिन शाह साइनिंग ऑफ।